द नेक्स्ट लूप इन पाइथन इज वाइल लूप. फॉर लूप की जो वर्किंग थी कि हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है विद अ सर्टेन चेंज इन कंडीशन और विद अ सर्टेन चेंज इन टेस्ट एक्सप्रेशन. जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे तब तक हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती रहे. तो सेम ही अगर हमें आइटरेशन करना है तो दूसरा उसका तरीका है हमारे पास वाइल लूप. वाइल लूप और फॉर लूप में जो डिफरेंस है दैट इज़ ओनली इन द सिंटेक्स. वो सिंटेक्स में डिफरेंस है, बाकी अगर हम लॉजिकली इसको देखें तो वाइल लूप में भी हमें चीज़ों को बार बार अगर आइटरेट करना है तो हम यूज़ करेंगे, और फॉर लूप में भी अगर हमें आइटरेशन बार बार करना है तो हम उसको यूज़ करेंगे. फ्लो कंट्रोल में ही दोनों का यूज़ है, बट द डिफरेंस इज इन सिंटेक्स, के हमें सिंटेक्स थोड़ा सा इसका ध्यान से देखना होगा. वाइल का सिंटेक्स है कि हम फॉर लूप में इनिशियल कंडीशन और कहाँ तक हमें मूव करना है वो सारी चीज़ें हम फॉर के बाद दे रहे थे. इसमें हमें क्या होगा कि हमें नहीं पता कि कहाँ तक हमें लूप को आइटरेट करना है. वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देंगे, इनिशियल कंडीशन हमारी कहीं ऊपर प्रोग्राम में कोड में गिवन होगी, उसके बाद बॉडी ऑफ वाइल. वाइल लूप में पहले टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ये ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू आती है, ओनली देन द बॉडी ऑफ वाइल विल बी एग्जीक्यूटेड. अगेन प्रोसेस वही है कि जैसे ही हमारी बॉडी ऑफ वाइल एग्जीक्यूट होगी हम वापस टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, अगर वो ट्रू होता है तो फिर हमारी बॉडी ऑफ वाइल एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा. बॉडी ऑफ वाइल लूप जो हमारी डिटरमाइन होगी वो भी इंडेंटेशन की हेल्प से होगी, जैसे कि इफ एल्स में भी हमने किया था इंडेंटेशन पढ़ा था और फॉर लूप में भी हमने इंडेंटेशन पढ़ा था, उसी तरीके से वाइल में भी हम प्रॉपर इंडेंटेशन देंगे तो उसी से हमारी बॉडी ऑफ वाइल लूप डिसाइड होगी. अब टेस्ट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम चाहे तो कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं यूजिंग सम ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर का यूज़ करके, वो कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है. इन केस हम यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू देना चाहें तो पाइथन में अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, इट मींस दैट वैल्यू कैन बी नेगेटिव, दैट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, -2, -23, +2, +23 या +42, जो भी वैल्यूज़ हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू. और नन ऑब्जेक्ट और ज़ीरो को पाइथन में हम फॉल्स वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो टेस्ट एक्सप्रेशन की जगह हम चाहें तो कोई वैल्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड. अब ये एक फ्लो चार्ट गिवन है जिससे हम वाइल लूप को समझाएंगे कि सबसे पहले हमने वाइल लूप में एंटर किया तो सबसे पहले हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन या टेस्ट कंडीशन जो भी होगी वो चेक होगी. अब कंडीशन चेक होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, आइदर दैट द कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स. अगर वो टेस्ट कंडीशन, टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ वाइल एग्जीक्यूट होगा इन, और वो बॉडी ऑफ वाइल एग्जीक्यूट होने के बाद वापस टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा चेक होगा. चेक होने के बाद अगर ट्रू होता है तो अगेन कंट्रोल बॉडी ऑफ वाइल में जाएगा, फिर कंट्रोल जाएगा वापस टेस्ट एक्सप्रेशन में. इट इज़ वर्किंग लाइक अ साइकिल, लाइक अ लूप. और जैसे ही एक टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा आफ्टर आइटरेटिंग 1 time, 2 time, or 3 time डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सप्रेशन, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी द लूप विल बी एग्जिट. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कि हमने फॉर लूप में भी लिया था कि हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, उसके सारे एलिमेंट्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे यूजिंग वाइल लूप. हमने एक लिस्ट ली LST जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10, 20, 30, 40 and 60. फिर हमने एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 प्रोवाइड की. एक वेरिएबल हमने लिया इंडेक्स. इंडेक्स यहाँ पर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें लिस्ट के एक एक एलिमेंट को कंसिडर करना है, और एक एक एलिमेंट को कंसिडर करने के लिए फॉर के साथ हमने कंडीशन क्या लगा दी थी, हमने एक इनिशियल एलिमेंट ले लिया था ELE. ELE वेरिएबल में हमने एक एक एलिमेंट लिस्ट का उठा लिया था, लेकिन यहाँ पर हम पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सिंटेक्स में डिफरेंस है फॉर और वाइल लूप के. तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंडेक्स जिसको कि 0 से इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज़ होता है, और अप टू n-1 चलेगा जो भी लिस्ट की लेंथ होगी, लेंथ -1 चलेगा. तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट, एंड द लेंथ ऑफ लिस्ट इज 5 बिकॉज 5 एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट. तो 0 to 4 ये हमारा लूप चलेगा, 0 विल पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड 4 विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे LST इंडेक्स. LST 0 विल पॉइंट टू 10, LST 1 विल पॉइंट टू 20 एंड सो ऑन.
साथ के साथ हमने नेक्स्ट जो बॉडी हमारी बॉडी ऑफ व्हाइल लूप है उसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन, इट मीन्स कि पहली बार जीरो एलिमेंट को कंसिडर करेगा जीरो इंडेक्स पे, देन जब हम जीरो को एक इंक्रीमेंट करेंगे इट विल कंसिडर 20, देन टू इट विल कंसिडर 30 एंड सो ऑन। जब तक हमारा ये सारे एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमारा प्रोडक्ट होता रहेगा, और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट फंक्शन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से हमने इस प्रोडक्ट को प्रिंट करवा दिया यूजिंग दिस प्लेस होल्डर। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं प्रोग्राम को। एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोडक्ट हमारा ये आ रहा है रिजल्ट इसका। इसकी इंटरनल वर्किंग हम कंसिडर करते हैं जैसे हमने फॉर लूप में किया था। हमारे पास एक लिस्ट है LST जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 एंड 60। एक वेरिएबल हमने लिया है प्रोडक्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 ली है। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है इसमें इंडेक्स, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0 क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव अप टू लेंथ -1। फिर हमने व्हाइल लूप में कंपेयर करी है इंडेक्स की वैल्यू लेंथ से एंड द लेंथ ऑफ लिस्ट इज 5। सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू लिस्ट इंडेक्स। तो लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 10, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लिस्ट के 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है तो उसको हमने किस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 10, द रिजल्ट इज 10 हियर। इसके बाद इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसकी इंडेंटेशन भी इसी स्टेटमेंट के बराबर है तो ये भी हमारा वाइल लूप की बॉडी में आ रहा है। इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, इंडेक्स की वैल्यू को हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ कंडीशन विल बी चेक्ड, इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट, 1 इज ऑल्सो लेस देन दिस लेंथ ऑफ लिस्ट, द कंट्रोल विल गो टू द बॉडी ऑफ वाइल लूप। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन टू लिस्ट इंडेक्स। अब इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू है 20 और प्रोडक्ट की लास्ट अपडेटेड वैल्यू है 10, तो 10 विल बी मल्टीप्लाइड विद 20 एंड द वैल्यू विल बी 200 एंड इंडेक्स विल बी अपडेटेड बाय 1, इंडेक्स की अपडेटेड वैल्यू हो गई 2। इसी तरीके से हमारा लूप मूव करेगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमारा जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 144 एंड दीज 0। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा और जब ये लूप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप विद एल्स। जैसे हमने फॉर लूप एल्स के साथ पढ़ा था सेम ही है हमारा व्हाइल लूप विद एल्स, कि हम एक ऑप्शनल एल्स ब्लॉक व्हाइल के साथ लगा सकते हैं और ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब हमारा व्हाइल का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारा व्हाइल एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर हम व्हाइल के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा वैसे ही हमारा एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया है। सेम कंडीशन है जैसे हमने फॉर लूप में लगाया था। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया काउंटर इज इक्वल्स टू 0 व्हाइल काउंटर इज लेस देन 3। काउंटर जब तक हमारा 3 से छोटा रहेगा तो ये हमारा प्रिंट करेगा इनसाइड लूप। एंड जैसे हमने पहले काउंटर को एक एक इंक्रीमेंट किया था ऐसे ही यहाँ पे हम काउंटर एक वेरिएबल इंक्रीमेंट करेंगे और जब तक 0, 1, 2 तीन वैल्यूज़ काउंटर की रहेंगी तब तक ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा इनसाइड लूप। और जैसे ही हमारा लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो कंट्रोल जाएगा एल्स स्टेटमेंट पे और ये एल्स हमारा किससे एसोसिएटेड है, व्हाइल लूप से, फिर हमारा प्रिंट होगा इनसाइड एल्स। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस तरीके से होगा, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 3, देन इट विल प्रिंट इनसाइड लूप, देन काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 1, 1 इज ऑल्सो लेस देन 3, इट विल अगेन प्रिंट इनसाइड लूप एंड काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू 2, अगेन द काउंटर विल कंपेयर्ड विद 3, 2 इज लेस देन 3, इट विल प्रिंट इनसाइड लूप एंड काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड एज 3। और 3 पर आते ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल जाएगा एल्स पर और एल्स के बाद हमारा प्रिंट होगा इनसाइड एल्स। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम साथ में यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट तो हमारा एल्स भी इग्नोर किया जाएगा जैसे ही हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा। उसका एग्जीक्यूशन हम बताएंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में हम अपने व्हाइल लूप का दूसरा यूज़ बताएंगे। दूसरा यूज़ है कि हम लिस्ट को अगर ट्रेवर्स करना चाहें और हमें पता करना है कि हमारी लिस्ट कहाँ पर एंड हो रही है तो उस केस में भी हम व्हाइल विद एल्स यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने एक इंडेक्स ले लिया जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जब तक हमारी पूरी लिस्ट ट्रेवर्स नहीं हो जाती तब तक एक एक एलिमेंट उसका प्रिंट करवाएंगे, और जैसे ही लिस्ट ट्रेवर्स हो जाती है तो लास्ट में हम प्रिंट करवाएंगे कि लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं बचा है। इंडेक्स जीरो से हमने स्टार्ट किया एंड इट विल मूव अप टू फोर, जीरो वन टू थ्री एंड एट फोर इंडेक्स द वैल्यू इज फाइव। जैसे ही ये सारे नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे द लास्ट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड एज नो आइटम लेफ्ट इन द लिस्ट। इट विल बी लाइक दिस। हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, एक वेरिएबल है इंडेक्स दैट विल इनिशियली पॉइंट टू जीरो। जब तक इंडेक्स हमारा लेंथ से छोटा रहेगा, लेंथ इज फाइव, जीरो इज लेस देन फाइव, इट विल प्रिंट स्क्रीन पर हमारा आउटपुट सबसे पहले आया वन। इंडेक्स हमारा एक इंक्रीमेंट हो गया, वन हो गया। वन होते ही फिर से व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हुई, वन इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू, इट विल प्रिंट टू। इंडेक्स इज टू, टू कंपेयर हुआ, इट विल प्रिंट थ्री। देन इंडेक्स इज थ्री, इट विल प्रिंट फोर। इंडेक्स फोर, इट विल प्रिंट फाइव। और जैसे इंडेक्स की वैल्यू फाइव होगी तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल प्रिंट नो आइटम लेफ्ट इन द लिस्ट। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेवर्सल ऑफ लिस्ट, कि हमें लिस्ट को हमने ट्रेवर्स किया, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवाया और पता किया कि कहाँ से कहाँ तक हमारी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है अगर हमें ये प्री नोन नहीं है। जो प्रोग्राम हमने फॉर लूप से किया था एक बार उसकी वर्किंग, सेम प्रोग्राम की वर्किंग हम देख लेते हैं व्हाइल लूप से। हमने एक वेरिएबल लिया नम, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। इनपुट अगर हमें रन टाइम पे यूज़र डिफाइंड कोई इनपुट लेना है तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर अ नंबर, जो भी नंबर एंटर होगा दैट विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। उसका हमने कन्वर्जन किया किस में, इंट में, और वो नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर फॉर्मेट में। तो कोई भी नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया और एक फ्लैग सेट किया यहाँ पे इज डिविजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। ये एक बूलियन वेरिएबल है जिसको हमने फॉल्स वैल्यू दी। फॉल्स कब तक रहेगी वैल्यू, जब तक कि वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो जाता। दूसरा हमने वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू है टू। टू हमने वैल्यू इसलिए ली क्योंकि कोई भी नंबर है वो खुद से भी डिवाइड होगा और वन से भी डिवाइड होगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टू एंड मूव अप टू नम माइनस वन। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है कि हमने आई से शुरू करके और नम माइनस वन तक उस नंबर को चेक किया है कि वो किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो हमने जो बूलियन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया, जैसे कि हमने फॉर लूप के प्रोग्राम में भी किया था। व्हाइल आई इज लेस देन नम, अगर आई हमारा नंबर से छोटा है देन इट विल चेक वेदर द रिमाइंडर रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज जीरो, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इट मीन्स कि वो नंबर प्राइम नहीं है और हमने इस डिविजिबल की वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। और हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय दिस। ये प्लेस होल्डर हमने दिए हैं, पहली वैल्यू नम ले कंसिडर होगी और दूसरी वैल्यू आई कंसिडर होगी कि वो नंबर इस आई नाम के इस आई वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। एंड i प्लस इक्वल टू वन, फिर हमने i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर से हमने चेक किया तो हमें ये लिस्ट भी पता चल जाएगी कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है। फिर हमने इस while के अंदर if else का while जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ है हमने यहाँ पे if else देखा। if is divisible, अगर इस divisible की वैल्यू ट्रू है तो क्या है कि वो नंबर प्राइम नहीं है, मतलब वो किसी से डिवाइड हुआ है, तो इट विल प्रिंट दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो भी नम है वो यहाँ प्रिंट होगा इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स वो एक प्राइम नंबर है। तो जो फॉर लूप में हमने किया था वो प्रिंट करवाई थी एक पर्टिकुलर नंबर से लेके दूसरे नंबर तक लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पर हमने एक नंबर दिया है उसको चेक किया है कि वेदर वो प्राइम है या नहीं है, और अगर वो प्राइम नहीं है तो वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम कुछ रन करके देखें प्रोग्राम को। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 12, तो 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 12 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने दो चीज़ें की हैं, एक तो पता किया है कि कोई भी नंबर हमने एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं, और अगर प्राइम नहीं है तो वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। अगर मैं इसको दोबारा रन करके देखूँ एंड आई एम गिविंग द नंबर हेयर एज 11, सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट इज़ प्रिंटिंग 11 इज़ अ प्राइम नंबर। आई थिंक द लूप इज़ क्लियर टू यू ऑल।
और बाकी इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अभी असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.